सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। महानगर में मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस रैकेट का एडीएम फाइनेंस ने किया भंडाफोड़। न्यू लोटस हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के परिजन ने एडीएम फाइनेंस से लगाई गुहार। बताया कुछ एम्बुलेंस रैकेट के दलालों द्वारा उनकी मां को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, अब डॉक्टर कर रहे हैं मोटी रकम की मांग। सूचना पर जांच करने पहुंचे एडीएम फाइनेंस ने मामले को सीएमओ से कराया अवगत। आरटीओ को भी एम्बुलेंस के जांच के लिए किया निर्देशित, कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को किया भगवान शिव की आराधना और रुद्र अभिषेक। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, उद्धार, समृद्धि और शांति की कामना। जिले के गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर मोड़ पर बुधवार की रात हुए रितेश मौर्य के हत्या के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। एसएसपी ने कहा जल्द होगी हत्यारों की गिरफ्तारी। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया भगवान शिव को जल अभिषेक। महादेव की आराधना, मांगी मन्नत, कहा सभी मन्नतें पूरी करते हैं मुक्तेश्वर नाथ बाबा। महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरक्षनाथ क्षेत्र में भव्य झूलेलाल मंदिर का हुआ भूमि पूजन। महापौर सीताराम जायसवाल सहित सिंधी समाज के लोग रहे मौजूद, कहा जल्द ही नए रूप में तैयार होगा झूलेलाल का भव्य मंदिर। रेलवे स्टेशन के कैबवे का टिकट काट रहे रेलवे के टिकट कलेक्टर सीपीआरओ ने कहा स्टैंड के टेंडर के बाद हटा दिए जाएंगे कर्मचारी, टेंडर होने तक स्टैंड की व्यवस्था संभालेंगे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,496। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 29 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। महाशिवरात्रि के पर्व पर अंधियारीबाग स्थित मानसरोवर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, हर हर महादेव बोलकर झूमे भक्त। 28 जोड़ी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की पूर्वोत्तर रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन। सीपीआरओ ने कहा जनता की मांग पर शुरू की गई है लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस। और महाशिवरात्रि के महापर्व के अवसर पर श्री श्री सिद्ध पीठ शीतला माता मंदिर से धूमधाम से निकाली गई भगवान शिव की बारात। झूमते गाते भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु।